सुर्खियों में बने रहने के लिए आजकल लोग क्या कुछ नहीं करते। कोई अजीबोगरीब कारनामे करते हैं तो कोई अजीबोगरीब बयानबाजी देते हैं, कहीं तो भगवान के नाम का आधार कार्ड ही बनवा देते हैं। इन्हीं अजब गजब बयानबाजी में एक नाम और जुड़ गया है, बिहार के एक मंत्री का। जी सही सुना आपने, बिहार सरकार के खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद ने अजब गजब बयान दिया है। उन्होंने भगवान शिव यानी भोलेनाथ और भगवान हनुमान को बिंद जाति का बताया है। उनके मुताबिक ये दोनों देवता बिंद जाति यानी अति पिछड़ी जाति के हैं। बता दें कि मंगलवार को खनन मंत्री बृजकिशोर कैमूर पहुंचे थे और वहीं उन्होंने ये बेतुका बयान दिया है। मंत्री ने दोनों देवताओं की जाति घोषित करने के पीछे कई तर्क दिए हैं। उन्होंने प्रमाण के लिए शिव पुराण और प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी एक किताब का हवाला देते हुए कहा कि ये बातें आज एमए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है। मंत्री ने दोनों देवताओं की जाति बताने के बाद कहा कि हम भी बिंद जाति से ही आते हैं और हम उन्हीं के वंशज हैं। हनुमान जी का जिक्र करते हुए नीतीश सरकार के मंत्री ने कहा कि हनुमान चालीसा के मुताबिक वो भी बिंद समाज से ही आते हैं। मंत्री ने इस बयान के बाद सफाई भी दी और कहा कि जो बातें कहीं ना कहीं लिखी है, मैं उन्हीं लिखी बातों को दोहरा रहा हूँ और मेरी हर बात के पीछे तर्क है। बता दें कि भगवान की जाति बताने का बिहार में ये कोई पहला मौका नहीं है। बिहार के एक जाति संगठन ने राज्यपाल फागू चौहान की जाति का भी ब्यौरा निकाला है और उनके अभिनंदन का भव्य समारोह आयोजित किया है, जिसमें राज्यपाल पहुंचे तो उन्हें चांदी का मुकुट भी पहनाया गया। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट।